तो गाइस रोइंग वाला के लिए गेट यूज है हम लोग का जो सीरीज Hey guys, welcome back to my new vlog. तो अभी मेरे साथ है ब्लू. तो आफ्टर मेनी डेज हम फिर से व्लॉग बना रहे हैं. एक्चुअली पूरा बारिश ही बारिश हो गया, मतलब हम ब्लॉग ही नहीं बना पा रहा था, मतलब कंटेंट ही नहीं मिल रहा था. घर के अंदर तो कुछ कंटेंट होता भी नहीं है, बस कुकिंग ही ये सब ही मिलता है. तो वीडियो तो हम नहीं बना पा रहा था. अभी फिलहाल हम आज थोड़ा मौसम मतलब अच्छा हुआ है, मौसम आप बाहर देख सकते हैं, थोड़ा धूप है हल्का हल्का, ये भी कितना देर तक है पता नहीं. तो आज हम लोग मतलब थोड़ा प्लान किया कि रोइंग में एक नया रिजॉर्ट खुला है, नामोया रिजॉर्ट. वहाँ पे मतलब ऐसे रेस्टोरेंट टाइप है, मतलब रिजॉर्ट है, मतलब स्विमिंग पूल भी है. तो हम लोग वहाँ पे नहाने के लिए जा रहे हैं. एक्चुअली ये मतलब कितना हो गया ब्लू खुला हुआ जरा? वन मंथ हो गया, लेकिन हम लोग अभी तक गया नहीं है, एक बार भी नहीं गए. तो हम लोग आज जाएगा, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएगा. और आज थोड़ा मतलब फ्री टाइम भी मिला है, बारिश भी नहीं था, संडे है आज, इसलिए. तो फिलहाल आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए. अभी हम लोग आरिपो को लेने के लिए जा रहे हैं. तो आरिपो को पिकअप करके वहाँ से सीधा जाएगा हम लोग नामोया रिजॉर्ट. तो वहाँ पे मतलब स्विमिंग करेगा, कुछ खाएगा पिएगा, आप लोगों को दिखाएगा. तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए. तो गाइस फिलहाल अभी आरिपो भी आ गया है. आरिपो हाय बोल दो. हाय, हेलो. अभी हम लोग सीधा निकल रहे हैं. तो अभी हम लोग कॉल किया था ध्रुवी भाई, तो ध्रुवी भाई भी जाएगा, उनके बोल रहे हैं. तो ध्रुवी को भी ले जाएगा. तो लेट्स गो. तो फाइनली गाइस सब कुछ हो गया है. तो अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं नामोया रिजॉर्ट. और ध्रुवी भाई भी आ गया है. तो ध्रुवी जस्ट मतलब कहीं प्रोग्राम पे गया था, जो एमसी वाला मतलब होस्ट किया था एक प्रोग्राम, जो जितना भी क्लास 10 का टॉपर्स है, मतलब हम लोग का जो इलू म्यूनिस्पी कम्युनिटी है, उन लोगों को मतलब कुछ मतलब गिफ्ट दिया था, मतलब कुछ फेलिसिटेट किया था. तो उसी में ध्रुवी जाके आए, और वो मतलब हम लोग का जो कम्युनिटी है उसमें मतलब टॉपर्स में आए. तो कॉन्ग्रेचुलेशन ध्रुवी भाई. तो अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं नामोया रिजॉर्ट. तो ध्रुवी थोड़ा हाई बोल दो. आरिपो नमस्ते. नमस्ते. तो गाइस रोइंग वाला के लिए एक बैड न्यूज़ है. हम लोग का जो टूरिस्ट प्लेस था रोइंग का, सेली लेक, वो टूट चुका है, पूरा कोलैप्स हो गया. आप लोग मेरा पीछे देख सकते हैं, पूरा सेली लेक टूट के पहाड़ पूरा मतलब फट के, यहाँ पे आप लोग मेरा पीछे देख सकते हैं. आप लोग अभी अच्छे से दिखा देगा हम. गाइस आप लोग ये देख सकते हैं, ये पहाड़, यहाँ पे भी एक पहाड़ था, पहाड़ का जस्ट पीछे पे सेली लेक था, मतलब वहाँ से पानी का थोड़ा सा सोर्स आता था. तो मतलब सेली लेक फटने का कारण मतलब ये पूरा पहाड़ भी मतलब लेके चला गया पानी, और साथ में वहाँ का जो मछली था वो भी ले गया. आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से पूरा फटके जाके सीधा दियो पानी में चला गया. तो ब्रू ये जो सिली लेक है ना, मतलब ये कैसे फटा आप बता सकेगा थोड़ा वीडियो में? ये जो लेक था वो लेक में क्या हो गया, हेवी रेन का वजह से जो ओवरफ्लो वाला एरिया था ना, हाँ. उसमें से पानी निकलना शुरू हुआ है. और वो जो ओवरफ्लो वाला बैरिकेड था, हाँ. वो ऐसे भी टूटने वाला था, क्योंकि बहुत साल से उसको मेंटेनेंस नहीं करने की वजह से वो ऑलमोस्ट टूटने ही वाला था. वो हेवी रेन क्लाइमेट में क्या हुआ है, टूट के पूरा एक ओवरफ्लो होके वो पानी जो यहाँ तक आ गया, और वो पूरा आधा पहाड़ ये सब पूरा डर्ट डिब्रिड वो सब लेके आके एक फ्लड टाइप से बना दिया. तो आपको क्या लगता है ये सिलीलेक वापस मतलब जैसा पहले था वैसा बन पाएगा? मैं थोड़ा नहीं लगता वैसा, क्योंकि अभी वो नेचुरल पानी को लाने भी थोड़ा टफ है ना वैसा सिचुएशन में, क्योंकि वो ओवर द ईयर्स जितना पानी एक्यूमुलेट हुआ था उतना तो अभी करना मुश्किल है. धीरे धीरे नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो रहा है इसलिए. तो आरिपो आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं नहीं, मछली सिली लेक का मछली के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं आप? मछली सब गायब हो गया, क्या बोलेगा? आरिपो तुम यहाँ का जो मछली था वो खाते नहीं थे ना पकड़ के? टेस्टी था, एक दो तो खाया था तुमने.
फाइनली गाइस वी आर हेयर एट नामोया रिजोर्ट। तो अभी ये मतलब पूरा बन के रेडी नहीं हुआ है, अभी बन ही रहे। तो उस दिन जैसे इसका ओपनिंग हुआ है। तो आरिपो पहले कभी आया इधर? ब्रू आया है? सिर्फ देखा ना, हम भी सिर्फ वीडियो में देखा है, आए नहीं। तो गाइस यही है नामोया रिजोर्ट, वहाँ पे स्विमिंग पूल है और यहाँ पे रिसेप्शन है और ये क्या बोलते हैं किचन है साइड से। यहाँ पे कुछ ऑर्डर भी कर सकते खाने के लिए। तो आप लोग अंदर से थोड़ा दिखाएगा अभी। रेस्ट्रो मतलब यहाँ पे मतलब आप लोग कुछ ऑर्डर करके खा सकते हैं और ये अभी तक पूरा बन के रेडी नहीं हुआ है, कुछ महीना में बन जाएगा शायद से। तो ब्रू मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? यहाँ पे वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं, वॉलीबॉल। तो गाइस यही है नामोया रिजोर्ट। तो आज पानी थोड़ा गंदा है ऐसा बोल रहे हैं, नहीं तो पानी थोड़ा साफ रहता है। और जब से हम आए तब से हम वीडियो बनाए रहे, तो अभी हम भी थोड़ा स्विमिंग करिए, थोड़ा नहाएगा। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। गाइस फिलहाल नहा धो के तो हो गया है, तो अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं घर। यहाँ से घर जाना है क्योंकि अभी इट्स ऑलमोस्ट 1 बजे। तो अभी हम लोग जाके थोड़ा मतलब लंच वंच करके खेलने जाना है। हम लोग का प्रैक्टिस है थोड़ा, क्योंकि हम लोग का जो अभी स्टेट लेवल जो टूर्नामेंट होता है हम लोग का वो भी सामने है और हम लोग का सिलेक्शन है 13 को। तो सिलेक्शन पे आप लोग भी जो भी मतलब रोइंग से बैडमिंटन खेलते हैं वो लोग आके आप लोग सिलेक्शन ट्रायल लीजिए, अगर सेलेक्ट होते तो अच्छा बात है, आप लोग स्टेट खेलने मतलब स्टेट खेलने का मौका मिलेगा आप लोगों को। तो अभी फिलहाल हम लोग घर जा रहे हैं, तो मिलते हैं सीधा आगे। रह गया दोनों, किसी का तो खुला है, खोल के बंद करो ना। फ्री बाय 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 बाय। तो गैस घूम फिर के नहा धो के आराम से आ गया, तो अभी हम यहाँ से सीधा घर जाएगा। पहले ट्री को छोड़ेगा, उसके बाद घर जाएगा। घर जाके हम आराम से फिर खेलने के लिए जाएगा, खाना वाना खा के लंच करके। तो थ्री नहा के कैसा लगा? नहा के मज़ा है एकदम, पर नींद में एकदम तो फाइनली गए घर पहुंच गया है हम। तो अभी हम लंच कर लिया, लंच करके अभी हम खेलने के लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।